बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आज है तारीख 17 और 17 तारीख में मैं और फायज़ा जाने वाले हैं स्कूल। कौन से स्कूल? यानी मैं पढ़ने नहीं जाने वाला हूँ, फायज़ा अपने स्कूल जाने वाली है। और उसी के साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ईरान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं। दोस्तों आपको सबको पता है कि हर देश में दो तरीके के स्कूल होते हैं। पहले स्कूल जो होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, दूसरे स्कूल जो होते हैं कॉन्वेंट होते हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल होते हैं। ऐसे ही ईरान के अंदर है जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल वो भी हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है आपको कि पहले आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ें। तो मैं और फायज़ा भी वहीं जा रहे हैं क्योंकि फायज़ा आपको पता है जो टीचर है, तो फायज़ा अपने स्कूल जा रही है और लगभग 12 बज गए हैं और 12 बजे से ये स्कूल शुरू होते हैं और फायज़ा जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो मैं फायज़ा को उसके स्कूल छोड़ूंगा, उसके स्कूल ड्रॉप करूंगा और उसका स्कूल भी देखूंगा कि कैसे होता है ईरान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल। और उसके बाद फिर हम चलते हैं कहीं और बाज़ार देखने। अभी फायज़ा तैयार हो रही है, तो जैसे ही फायज़ा आती है उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों फायज़ा आ गई है मेरे साथ और अब हम जा रहे हैं फायज़ा के स्कूल। फायज़ा, यस, वेयर वी आर गोइंग? वी आर गोइंग टू स्कूल। स्कूल? यस ऑफ कोर्स, एंड इट इज अ बिट लेट। तो भाई हमेशा की तरह वो आज भी लेट हो गई है। अच्छा, हां, रिमेंबर दैट व्हेन यू कम बैक टू होम, हां, देन यू हैव टू बॉटल्स, हां, टू बॉटल्स विद योरसेल्फ, एंड इवन व्हाट, जस्ट वन प्लेट ऑफ मैकरोनी फॉर बिट मैट एंड मॉम। मैकरोनी? यस, मैकरोनी, एंड द रेस्ट इज फॉर यू। इट्स ओके, ओके, ओके। और दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना, ओके मोचू, एक आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि फायज़ा और मैं अब एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और वो जो घर है वो फायज़ा के फादर ने हमको एज ए गिफ्ट दिया है जब तक हम लोग ईरान के अंदर हैं। तो उसके बारे में फायज़ा हमें कुछ बताने वाली है। फायज़ा, व्हाट अबाउट आवर न्यू हाउस? न्यू हाउस, न्यू एक्सपीरियंस एंड फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, and I'm giving to you the late meals. Jeez? Late meals. Yeah, of course you give me. But there must be cooperation between us. No. And forget about it. No, there is actually, there when is. We are showing our new house to our family. I don't know. You don't know? No, I don't know. Yeah, उसको नहीं पता कि हम अपना नया घर कब दिखाने वाले हैं और जल्दी आप जो है हमारा नया घर देखेंगे जहाँ पर आपको सब कुछ इंडियन नज़र आएगा, यानी ईरान के अंदर एक हिंदुस्तानी घर, एक भारत वाला घर। माय पेरेंट्स कम टू होम। और हाँ, आज जो है हमारे घर पे फायज़ा के पेरेंट्स यानी कि बाबा और फायज़ा की मदर यानी कि ममन जो है एज अ गेस्ट आने वाले हैं, तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ईरान का गवर्नमेंट स्कूल और हम वहाँ पर पहुँच गए। ये है सामने फायज़ा का स्कूल। ओके, ओके मच्चू, बाय बाय। ओके मच्चू, सर, मैं इट्स मैकरोनी विद योगर्ट, एंड व्हेन यू यूज योगर्ट यू पुट इट इन द फ्रिज। ओके, ओके, ओके। तो भाई ये फायज़ा का स्कूल है और यहाँ पर ये एलिमेंट्री स्कूल है जिसको बोलते हैं ना एलिमेंट्री स्कूल, ये वो है जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं और अब वो अपने स्कूल चली गई है। तो इस तरीके का स्कूल जो है ईरान के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कहाँ पर, एक बाज़ार, छोटा सा बाज़ार। बाज़ार मतलब ऐसे नहीं, ये शॉप्स हैं जहाँ पर मुझे कुछ ख़रीदना है और अब मैं अकेला ही जा रहा हूँ। फायज़ा तो स्कूल चली गई है, स्कूल जा चुकी है और शाम को ही वो आएगी और शाम को ही फायज़ा और उसके पेरेंट्स जो हैं एज अ गेस्ट हमारे घर पे आने वाले हैं। आप हमारे घर की वीडियो बहुत जल्दी देखोगे और मैं तरीके से बनाऊंगा जब मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि है भारतीय और सनातन कल्चर से रिलेटेड अपने घर में लगा दूँगी। और सामने देखिए, सामने एक बर्फीले पहाड़ जिसका नाम है अलवंद। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए हैं, एक छोटा सा बाज़ार है, मतलब शॉप्स हैं किनारे में और वहाँ से मुझे कुछ फ्रूट्स ख़रीदने हैं, कुछ फ्रूट्स ख़रीदने हैं, तो वही सब चीज़ें मैं लेने के लिए आ गया हूँ। आप देखें, यह है शॉप, देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं हम यहाँ से।
अरे यहाँ कोई है नहीं है। हाँ देखते हैं पहले यार फ्रूट्स जो है कितने के हैं। कुछ केले लेने हैं मुझे यार, 4-5-6 केले। और यहाँ पे केला बहुत महंगा है भाई, अपने यहाँ कितना सस्ता है यहाँ पे उससे दुगना ही महंगा है। तो मुझे लेना सलाम। तो भाई हमने कुछ केले ले लिए हैं, ये रहे केले। और देखते हैं, वैसे तो मुझे चाहिए था कुछ चोको मिल्क भाई, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको ज़रूर लेता हूँ। चलो ये पूरा ही ले लेते हैं चोको मिल्क। चोको मिल्क तो चोको मिल्क को लिया है हमने। तो ब्रदर प्रोटीन शेकर लाइक यू नो प्रोटीन एक्सरसाइज प्रोटीन शेकर ना। वेट और उनको समझ में नहीं आ रहा है। वेट ना 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 भाई अभी मैं उनको दिखाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इंडिया हिंदुस्तान तो हमने ले लिया यहाँ से चोको मिल्क। और तो दोस्तों हमने यहाँ पे शॉप से जो लिया है, वैसे मैं फ्रूट्स लेने वाला था ज़्यादा, बट मुझे लगा यार सही नहीं रहेगा क्योंकि रेट जब इनको पता लग जाता है मैं कोई दूसरी कंट्री से, तो वो रेट इसलिए बताते हैं। तो मैंने बनाना और एक चोको मिल्क ले लिया है यहाँ से। और अक्सर क्या होता है ना दोस्तों, दोपहर में जो ईरान का बाज़ार है या जो भी मार्केट या दुकानें हैं वो सब बंद हो जाती हैं, और फिर जाके वो शाम को खुलती हैं, और शाम को लगभग वो भी तब भी जल्दी बंद हो जाती है। मैं हमदान के अंदर तो ऐसा है, लेकिन फायज़ा मुझे बता रही थी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पूरे दिन जो है शॉप्स खुली रहती हैं, बट हमदान के अंदर जो है वो बंद हो जाती हैं। तो अभी हम फिलहाल जो है घर की तरफ जा रहे हैं, यानी अपने घर की तरफ, जो हमें घर जो गिफ्ट हुआ है उसकी तरफ जा रहे हैं। और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से, अंदर से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई पहले मैं उसे पूरी तरीके से अच्छे से और तैयार कर लूँ, कुछ चीज़ें खरीदनी है जो घर में लगानी है, फिर मैं आपको पूरा अपना नया वाला घर दिखाऊँगा, यानी कि एक भारतीय घर ईरान के अंदर। तो देखते हैं। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो बिल्डिंग है
आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, तो ये जो है वो फाइजा का, मतलब फाइजा के पेरेंट्स का घर है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो बिल्डिंग जिसमें हमारा नया वाला घर है, यानी कि फाइजा और मेरा वो वाला घर जो फाइजा के फादर ने हमें गिफ्ट किया है। तो वो भाई वो इस बिल्डिंग में है। तो भाई अब मैं अपने नए वाले घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अंदर से नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मैं अंदर से आपको तब दिखाऊँगा जब हम पूरी तरीके से उसमें सामान रख देंगे और लगाएंगे तरीके से जो आपको देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों हम अपने नए घर में आ गए हैं, वो घर मैं आपको दिखाऊंगा, जल्दी दिखाऊंगा जब हम सारी चीज़ें यहाँ पर लगा देंगे, वो सारी चीज़ें जो पूरी भारतीय होंगी और सनातन संस्कृति का प्रतीक होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।